सिद्धार्थ भक्तिर ए नूतन कार्यक्रम भक्ति पथ को आपण मानक स्वागत एवं सब बापा माँ सब ज्ञानी गुणी सब भक्त मंडली को मो तरफ कोटि कोटि प्रणाम। कथा थिला चली जगतगुरु शंकराचार्य कथा आदिगुरु शंकराचार्य बा जगतगुरु शंकराचार्य कथा मंडन मिश्र घरे पहुँची जाइछंती जगतगुरु शंकराचार्य। कौन हम ना जुक्ति हम किंतु मंडन मिश्र भली ज्ञानी शंकराचार्य भली ज्ञानी आंक भितर किए जितिबो किए हरिबो ये परीक्षाटा करेब किए सेमितिया सार तो ना दिया गया। माँ भारती सरसवाणी जहाँ कहते माँ सरस्वती कहले मुझे बाट करा कौन जोड़िए माला तैयारी कले जोड़िए माला सुंदर फूलर सुंदर माला गोटे माला तांको स्वामी मंडन मिश्र गलार लंबेदे आउ गोटे माला आदिगुरु शंकराचार्य गलार लंबेदे जोड़िए माला पड़ला कहला जोड़िए माला पड़ा उभय सामना सामनी बसतु तर्क आरंभ हो मंडन मिश्र पचारे तुम तो माला पकेल आम तो तर्क हम ते तुम कमी जानवजे किए जीतिला किए हेला। माँ सरस्वती कहले कहले शुणतु मु माला दीटा यही पकई ना कौन पे ना जी हार मालाटा आपे आपे मऊली कमी मऊली जीव अरे ताला मोड़े ताला मोड़बन उभय तो एका फुल। माँ सरस्वती कहले ना कह कमी कह शुण जी धरतु जड़े पचार आउ जड़े ता उत्तर जाणी देह उत्तप्त हाँ जो लोग उत्तर जाणी निये हारी जा देह उत्ताप बढ़ीज देहर उत्ताप बढ़ीगले फुलमालाटा आपे आपे मोड़ीज देखु कि केड़े सुंदर मन के मान कि सुंदर बुद्धि सी है उभय गलार जोड़िए माला पड़ला आरंभ है तर्क आज्ञा बार दिन मंडन मिश्र सहित जगतगुरु शंकराचार्य बार दिन तर्क है वेद वेदांत उपनिषद कौशास्त्र पुराण ग्रंथ गीता भागवत सब उपरे चलिला केड़े केड़े ज्ञानी दी जन बसी माने चिंता करंतु माने सी जो आलोचना सी कौ स्तर आलोचना होतो आत्मा परमात्मा जीव जाए कौटिक जीव आसे कौटिक जीवर जीवा आसबार बेगटा को देखे किए से तत्व जाने किए गोटे पटे मंडन मिश्र गोटे पटे शंकराचार्य आ चली बार दिन काल कहीं क्या जीति पारे कहीं क्या हारी पारे पुणी किसी दिन चलला हठात किसी दिन जीवापर देखा गला मंडन मिश्र फूलमालटी मौली मौली आसुची शंकर देखिले स्त्री मध्य देखिले हारिगल आज्ञा किसी लोक था आज्ञा हारिटा को जमा पसंद करती किसी लोक कौन आज समस्ते समस्ते चाहती जितवा को आज्ञा जड़े हारे तो आउ जो जितब समस्ते जदि जितवा को चाहिए तो हार किए आज्ञा समस्ते जदि गुरु हवा को चाहिए तो शिष्य किए हो भीम भी कही ना शिष्य बोलाउछी श्री गुरु न थई गुरु पण गोटा लोड़ा को नहीं जाति तार नीच श्रेष्ठ पणे उच तापरे पिता नाही पुत्र अच्छी है नदी सुछी आबोरी रही आबोरी रही पासे पासे अच्छी है नदी सुछी आबोरी रही शिष्य बोलाउछि श्री गुरु न थाई गुरु पण गोटा लोड़ा को नाही जाति तार नीच श्रेष्ठ पणे उच्च पिता नाही पुत्र अच्छी है नदी सुछी पासे पासे अच्छी तबे कौन है ला? ना मौली गला फूलमाल
चिंता कले मन मन सरस्वती स्वामी ना मंडन मिश्र स्वामी अरे स्वामी विपद पड़ब स्त्री उद्धार करे कर उद्धार है कारण ए जी मो माँ मैंने माँ जीवन रुठ बड़ देवता हूँ स्वामी एक कहूनी शास्त्र पुराण भेद वेदांत उपनिषद सबू कहे गोटे पद कौच आपण मान आगे नवीना के ही सागरे पसिले लभई घोर विपद संसार सागर पाई महापत एक मात्र स्वामी पद एक मात्र स्वामी पद नहीं गया संसार रूपक सागर पार हवा पाई जदि डंगा दरकार प्रत्येक अह स्त्री सधवा स्त्री स्वामी पादटी ही हूँ डंगा ए आ गोटे पद आपण मान को कौच नारी जीवन बसुमती प्राय समस्त कषण सहे निजे दुख सही स्वामी संतान को सब सुख बंटी दिए सब सुख बंटी दिए बसुमती धरित्री जहा प्रत्येक माँ मानकर जीवन सेया ए माँ तमें स्नेहमयी तमें दयामयी मालो जितिक मोर उत्कलिया माँ मैंने अच्छा तुम पादरे कोटि कोटि प्रणाम माँ बहुत उच्चरे तुम मानकर आसन बहुत उच्चरे माँ सत कह गले माँ भलिया किए अच्छे दुनिया रे हाँ तेणु मंडन मिश्रंकर स्त्री चिंता कले भारती द्वय भारती बा सरसवाणी कौन कर मो स्वामी हारिजीव मु अच्छी मु थाउ थाउ मो स्वामी हारिजीव मते किछि ना किछि गोटे करबाकू पड़िबो आज्ञा कौन कले कौन स्वामी को ता स्त्री बचाई पारिबोनी रक्षा करि पारिबोनी सावित्री तो पुणी सत्यवान को जम जम पाखु पुणी फेर आला ना ये शंकराचार्य पाखु रक्षा करि पारिबोनी ता स्वामी को परास्त होबारु स्त्री कौन करिबो स्वामी हारिजीव स्त्री सहब हबन शंकराचार्य डाकिले माँ तुम स्वामी अवस्था देख तक गलार फुलमा मौली गला तुम्हें तो कही जहाँ गलार फुलमा मौली बसी हारे एवं तुम्हें कह माँ तुम तुम विचारपति भारती कहले शुण ना कौन हारिंट किए ना तुम स्वामी मु ना तुम तंग स्त्री स्त्री मैंने अर्ध अर्ध अंग ना हाँ अधा मु तो ना हाँ तुम अधा अंग को हरई चो ना संपूर्ण अंगटा को तो हरईना शंकराचार्य कह मान बुझीपाले कह अरे मो बिना तो सी अधा ना ना हाँ तुम अधा हरई चो मुझे मत हराओ जदि मत हरई दब तमें तुम पूर्ण मंडन मिश्र को हर मत हरऊना शंकराचार्य राजी हेले कह ना माँ मु कौन से नारी सहित तो केवे जुक्ति करी तर्क करी कौन से स्त्री लोक सहित तो कारण सी होंगे माँ नारी माने ही माँ तेणु माँ मान सहित तो चुक्ति करा जाए ना तर्क करा जाए ना माँ मान आशीर्वाद नि जाए सहित तो तर्क करा जाए ना माँ मु तर्क करी तुम सहित तो। बहुत किसी कहवापर शेषे शंकराचार्य राजी हेले हाँ तेल आसतु बसतु तर्क करवा आरंभ है तर्क माँ सरस्वती सहित मध्य शंकराचार्य तर्क है पुणी बार दिन जो बड़े माँ सरस्वती देखिले कले अरे हे किमितिया पुओटे रे मोर तू मन मन भाविले किमितिया पुओ तमें कि ज्ञान अधिकारी बार दिन काल मुंडन मिश्र सहित तर्क परास्त करदेलापर एक मन मन भावुंट बीणा पा बागबा दिन माँ सरस्वती बार दिन परास्त परे तांकु परास्त करिबा परे पुणी मो सहित तो बार दिन तर्क ए पर्यंत मु भी तुमको परास्त करि पारुनी केते ज्ञान रो अधिकारी तमे हां किंतु शंकराचार्य निर्विकार भाव रे बसी चंती
ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ହବନି, ତାକୁ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାଟ କ'ଣ? ମା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା। ନିରୁପାୟ ହେଇକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏଇଥର ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିବି ତମେ କହିପାରିବନି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପଚାରନ୍ତୁ ମା। ସରସ୍ୱତୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ଭୋଗ ହେଲାବେଳେ ବା ରମଣ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ନାରୀର କେଉଁ କଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରେ? ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ? ପାଣିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ବେଙ୍ଗ ଜାଣେ? ମୁକ୍ତାପି ମାଳା ନଚ ବାନରାଣାଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପାନ ନଚ ଶୁକରାଣାଙ୍ଗ ଅନ୍ଧସ୍ୟ ଦୀପ ବଧିରସ୍ୟ ଗୀତ ମୂର୍ଖସ୍ୟ କିଂ ଧର୍ମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅବତାର କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବହିରେ, ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ଯିଏକି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ରଚୟିତା, ବେଦବ୍ୟାସ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ଆସି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଏତିକି ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେସବୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିନି, ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଭାରତୀ କହିଲେ ଆପଣ ହାରିଗଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ମା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ମାସ ସମୟ ଦରକାର। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦିଅ, ମାସକ ପରେ ଆସି ମୁଁ ଆର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏକ ମାସ ସମୟ ମାଗି ଶଙ୍କର ଫେରିଲେ। ଯଦି ଫେରିଲେ ଆସିଲେ କେଉଁଠିକି? ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଅନୁଭବ ନକଲେ ତ ଜାଣି ହେବନି। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମ କେମିତି ହୁଏ, ଦେହର ମିଳନ କେମିତି ହୁଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳନ କେମିତି କରାଯାଏ, ନାରୀର କେଉଁ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହେ, କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ତିଥିରେ କେଉଁ ଦିନ ନାରୀର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ସିନା ନାରୀ ସମ୍ଭୋଗ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ରତିକ୍ରୀଡ଼ା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତେଣେ ମୁଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ବାଟ କର ନା କ'ଣ? ପର କାଇଆ ପ୍ରବେଶ ବିଦ୍ୟା, ପର କାଇଆ ପ୍ରବେଶ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅମରୁକ, ଅମରୁକ। ଏ ଅମରୁକ ବୋଲି ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ଏ ରାଜାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ରାଜା ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଜୁଇରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଶଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ବାପାମାନେ ଗୋଟେ କାମ କର ନା କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଏଇଠି ପଡ଼ିଗଲି, ଏଇଠି ଶୋଇ ରହୁଛି, ମୋ ଆତ୍ମାଟା ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇବ, ମୋ ଦେହଟା ମଲା ପିଣ୍ଡ ହେଇକି ପଡ଼ିଲା, ଏ ଦେହଟାକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକି ରଖ, ହୁସିଆର, ଏ ଦେହଟାକୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ଗୋଟେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିକି ରୁହ, ଏବଂ ମୁଁ ଏ ରାଜା ଅମରୁକଙ୍କ ଦେହରେ ମୋ ଆତ୍ମାଟାକୁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରେଇବି। କିଏ? ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ଜଗତ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, ଇଏ ମରିଗଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ମଲା ଦେହ, ମଲା ଦେହଟାକୁ ନେଇକି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫା ଫୁମ୍ଫା ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ କେଉଁଠି, ଏ ଆତ୍ମା ବାହାରିକି ରାଜା ଅମରୁକଙ୍କ ଦେହରେ ପଶିଗଲା। ଯଦି ପଶିଗଲା, ଅମରୁକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦୁଇ ଚିତା ଉପରୁ, ନିଆଁ ଉପରୁ ଉଠିକି ବସିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳୀ ସମସ୍ତେ, କ'ଣ ହେଲା ରେ, ରାଜା ମରିଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିକି ବସିଲେଣି, ଧନ୍ୟ କହିବାରେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହିନି, ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, କ ଦେଖ ଆମ ରାଜାର ଆୟୁଷ ଥିଲା ନା, ଆମେ କହିଲେ ହବ? ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ନେଇ ନ ପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଯଦି ବି ଆୟୁଷ ଥିବ, ଜମ ନେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ନା ନେଇପାରିବନି ଜମ। ରାଜା ଅମରୁକ ଉଠିକି ବସିଲେ, ଏ ଆତ୍ମା ପଶିଯାଇଛି ଅମରୁକଙ୍କ ଦେହରେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ମହାନ ଆତ୍ମା
जगतगुरु शंकराचार्य आत्मा ये पशिचे राजा अमरको देह रे। ये राजा आगुरु ये राजा तो अत्याचारी राजा थिले नृशंस राजा, ये तो आत्मा पशिचे ना पवित्र आत्मा, तले से राजा पूर्व चरित्र जहाँ से ना चरित्र परिवर्तन घटिबो कौन हबो। भगवान शंकराचार्य आत्मा राजा अमरुकंक शरीर भितर राजा उठिके डाकिले आज्ञा जो राजा जीवन केवे संस्कृत पाख को जाना केवे संस्कृत धार धारती जो राजा पंडित ज्ञानी मान को भल पाती कारण मु तो निजे ज्ञानी नुह मु कहीं ज्ञानी को भल पाई बाबा। ये राजा ये अमरुक जुई नियारु उठिबा परे हाथ जोड़ी कहिले कौन कहिले जानिचंती भूवर भुवस्व प्रजा मैंने शुणुंती ये आम राजा टी ओम भूवर भुवस्व तस्वितुर्वरण्य भर्गदेव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जन्मंडल दीप्तिकर विशालम गौचंति रत्न प्रभृति ब्रमनादि रूपम दरिद्र दुख क्षय कारण पुरातुमांतस्य। जन्मंडल देवी गणी सुपजितम विप्रस्तुत मानव मुक्ति कविदं त्वंग देव देव प्रणमामि भर्गं पुरातुमांतस्य पितुर्वरेण्यम। प्रजा मैंने कहले यम राजा टी मंत्री मैंने दौड़ी आसे कहले कौन आम राजा संस्कृत गाइले अरे दिने संस्कृत कथा शुणते जे संस्कृत गाइब दूर दूर मार मार करती ये निजे संस्कृत गाँव एत सुंदर गाँव। आज्ञा आज्ञा मणिमा राजा कहते हे प्रजामंडली राज्य रे शांति स्थापन कर आश्रम मंदिर मठ साधु संत एम रक्षणाबेक्षण कर। प्रजामंडली आश्चर्य गले मने मन भाविले ओ हो कौनसी साधु आत्मा बोधे आम राजा देह रे प्रवेश करी भारी खुशी हो गले प्रजामंडली नहीं कि पलैली घर को गले राजा अमरुकंक शरीर भितर पशिचे शंकराचार्य आत्मा पहुँचवा पर आज्ञा स्त्री सहित प्रेम है प्रेम कलापर जान लें प्रेमटा कौन मुँ आज्ञा ब्रह्म ज्ञान ठार बटक सान बुझ ऋषि श्रृंग ठारुझ ऋषि श्रृंग ठार छाड़ी निज दीक्षा कले मंत्र दीक्षा रूप जीवी कर गुरु। बाबा मैने ब्रह्म ज्ञान ठार केड़े बड़ चिंता कले ऋषि श्रृंग को पचारू ना सब मंत्र को छाड़ी दे कि जरता पचरे गोड़े की पड़ेले किंतु ये से नुह जाऊ ना कहीं किंतु मंडन मिश्र स्त्री प्रश्नर उत्तर दवापाई बाध्य अमरुकंक शरीर में प्रवेश करी शरीर को नहीं जा पहुँचले राणी मान सहित प्रेम क्रीड़ा कले किंतु आज्ञा ये तो मणिष ना ए राणी मान सहित प्रेम क्रीड़ा करू करू शंकर मसे गोटे मसपाई समय मागिंट एक भूलीगले धन्य से माया धन्य से माया। शिष्य मैंने चिंता कले समय हो गला किंतु गुरुपति जापार ना कौन कर चल जा समस्ते गले जा पहुँचले गुरु पाखे ये तो राजा रूप से बस सिंहासन कौन सी मत मन पकईदे आज्ञा आपण राजा अमरुक नुहंती आपण तक शरीर मात्र आपण हूँ महान आत्मा शंकर आत्मा आपण तक शरीर में जी कम सरीगला आसतु एणिक पलै आसतु पुणी से पुणी अमरुकंक शरीर छाड़ी शंकर पशिले निज देह निज शरीर आज्ञा निज शरीर पशिबा परे हाथ जोड़ी भगवान को डाकिले कले ठाकुर जहा हबार होती जहा करूँगी जहा चिंता करुच्ची ए सबुरी मूल तुम्हें हाथ जोड़ी जगतगुरु शंकर ये पदे कही आज्ञा आउ कहीं का लेखा कौच शंकर लेखा पदे कौच अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम
मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वशनम मधुरम बलितम मधुरम वशनम मधुरम बलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हे मधुर मुंडन मिश्रंक स्त्रीक पाखरे पहुंचले एवं जेतिके प्रश्न मुंडन मिश्रंक स्त्री तांकु पचारीथिले रतिक्रीड़ा समंधर प्रश्न सबु प्रश्नर गोटी 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 करी शंकर उत्तर देले देखन माँ बागबादिनी माँ बीणापाणी माँ सरस्वती माँ भारती जी की दुर्वासा मुनि साप फल आसिक जन्म होते देखत मने मने धन्यवाद देले आशीर्वाद देले माँ सरस्वती आज्ञा माँ सरस्वती आशीर्वाद जीए पाइब सी मूर्ख होकर रोज आज्ञा सहज मूर्ख मैंने तो पंडित हो जाए तो निजे हूँ शंकर अवतार किड़े बड़ ज्ञानी किड़े बड़ ज्ञानी माँ सरस्वती आशीर्वाद देदेले आशीर्वाद दबापर जो मंडन मिश्र कथा थिला ना शर्त कौन थी आज्ञा जदि शंकराचार्य हारे ताले सन्यासी छाड़ी संसारी हेबे जदि मंडन मिश्र हारे ताले संसारी संसार छाड़ी सी सन्यासी हेबे कथा तो सही थिला तार कौन करिबा ना तुम तो हारी छो ना हो जाओ शिष्य हेले मंडन मिश्र जदि शिष्य हेले खाली तो शिष्य हेलानी आज्ञा शिष्य हबा परे शंकराचार्य सहित मंडन मिश्र एवं भारती मध्य समस्ते चलिले श्रृंगेरी मठ ये श्रृंगेरी मठ कौटी आज्ञा ना महीशूर राज्यर पश्चिम घाट पर्वतमाला पाद देश तुंगभद्रा नदी बही जाऊ कथार कहती गंगा स्नान तुंग पान गंगारे स्नान कले जी पुण्य मिलता है तुंग तुंगभद्रा नदी जल को टे पान कले भी से पुण्य मिलता है सही पहुँचीगले सांगे अच्छा मंडन मिश्र स्त्री भारती माँ सरस्वती एवं आदिगुरु शंकर शिष्य मैंने से पहुँचले आहरी भी किसी कहानी बाकी रहीगला शंकराचार्य अलौकिकता कहानी आउ कि बाकी रहीगला आज आ समय साथ दौनी आज्ञा पुणी आगामी अध्याय भेट हवा विभु भांगी दियो हे खेल चंचल कोला ठाकुर होइल कि अचल माया धर फिटाओ माया श्रृंखल तुम्हें भकत बंधु भक्त वत्सल तुम्हें भकत बंधु भक्त वत्सल गुरु गोविंदाय नमः।